just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है सैमसंग का A22 5G। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस फोन के अंदर में फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको ये भी बताने वाले हैं कैसे आप उनको एक्सेस करेंगे हाइड फोटो और वीडियो के लिए, और दोबारा से उनको आप कैसे अनहाइड करा सकते हैं। सब कुछ आपको जानना है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप पहले वहां से जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस फोन के अंदर हम फ्रेंड्स एक एप्लीकेशन की मदद से ही अपने फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो फीचर आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलता, पर एप्लीकेशन सिक्योर है, आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। आप उसको पहले वहां से डाउनलोड कीजिए। यहां पे मैं आपको कुछ सेटिंग भी बताने वाला हूं उस एप्लीकेशन की, जैसे कि उसको अनइंस्टॉल नहीं करिए आपको वो सब सेटिंग, और इसके साथ साथ अगर आपके फोटो वो ऐप डिलीट हो भी जाता है किसी टाइम, जो कि आपके प्राइवेट फोटो वगैरह आपके पड़े होते हैं, तो आप कैसे उसका बैकअप वगैरह आप ले पाते हैं, सब कुछ आपको वीडियो में कंप्लीट पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन नाम है एपलॉक प्रो। इस तरीके से आपको आइकन देखने को मिलेगा इसका, आप इसको ओपन कीजिए। इस पर कुछ परमिशन वगैरह आपसे मांगी जाती है, तो आप यहाँ पे परमिशन वगैरह जो भी मांगता है आपको देनी होती है। गेट इट पर क्लिक करना होगा, पहले अलाउ करना होगा यहाँ पे। तो अभी तो आप इसको स्किप कर दीजिए, फिर आपको वीडियो हाइड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको भी यहाँ से स्किप कर दीजिए। फिर आप इस एप्लीकेशन की मदद से इस फोन के अंदर एपलॉक भी सेट कर पाते, तो यहाँ पे इसको भी आपको स्किप करना है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। अगर आप पासवर्ड से एक्सेस करना चाहते हैं अपने फोटो वीडियो, तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं, नहीं तो पैटर्न लगाना चाहते हैं तो पैटर्न यहाँ पर क्लिक करके आप पैटर्न में इसको बदल सकते हैं। तो हम पासवर्ड लगाना चाहें तो पासवर्ड लगा सकते हैं, और पैटर्न चाहें तो पैटर्न, तो जो भी लगाना है आपको दोबारा यहाँ पर कन्फर्म कराना है। और इसके बाद आपको ये कुछ परमिशन और भी मांगता है, तो आपको वो भी यहाँ पर दे देनी होगी। तो इस तरीके से हम इस पर क्लिक करके इसको परमिशन दे देते हैं, तो जो भी परमिशन आपसे मांगी जाए आप इसको दे दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो एपलॉक करने के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ आने से पहले तो आप इसको यहाँ से इसको एक्टिवेट कर दीजिए। इसके बाद आपको फोटो का ऑप्शन देखेगा, इस पर आपको आ जाना है। इसके बाद आपको प्लस का आइकन देखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब प्लस का आइकन जैसे क्लिक करेंगे तो आप गैलरी के अंदर आ जाते हैं, तो गैलरी में जो भी आपके फोटोज होंगे, फोटोज के जो भी फोल्डर्स होंगे वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो आपको किस यहाँ फोल्डर में से आपको फोटो उठाना है जो कि आप हाइड करना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ पर आने के बाद उसको सेलेक्ट कीजिए। इस तरीके से लॉक का एक आइकन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है, तो आपके फोटो ये आपके गैलरी से गायब हो जाएंगे और इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा बैक करेंगे। अब इसी तरीके से आपको वीडियो हाइड करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपल प्लस के आइकन पर जाएंगे तो जो भी फोटोज वगैरह वीडियो वगैरह होंगे आपके जितने फोल्डर होंगे वो आपको नजर आ जाते हैं। तो जो भी वीडियो आपको हाइड करनी है सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, और इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना होता है लॉक पर, तो आपका ये वीडियो भी यहाँ पे से गैलरी में से गायब हो जाती है और इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से तो आप अपने फोटो और वीडियो को आप हाइड कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, पहले तो आप जैसे भी इसको बैक करेंगे तो आपका लकी नंबर पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। काम आपके जब आने वाला है, जब आप इसको रिकवर करते हैं अपने जो भी पैटर्न पिन पासवर्ड है जो भूल जाते हैं, तब आप ये काम आ जाता है। तो हम इसको एक बार यहाँ से बैक कर देते हैं और इसको ओपन करेंगे तो हमारा ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पासवर्ड पूछना इसने शुरू कर दिया, तो हम पासवर्ड लगा के इसको एक्सेस करा सकते हैं। हम फोटो देखने के लिए फोटो पर क्लिक करेंगे, इस तरह से हम फोटो देखने को मिल जाते हैं। वीडियो पर देखना है तो वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब इसको वापस अनहाइड करना चाहते हैं तो क्लिक करके आपको यहाँ पे दोबारा से लॉक का आइकन देखने को मिलेगा, आपको इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना, तो आपके वापस से वहीं पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इनको अनहाइड करा सकते हैं आप। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।